आपके भी और हमारे। तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि आपके जो भी नेता हैं या हमारे भी बहुत सारे नेता, वो सिर्फ जात की बात करते हैं और अंबेडकर साहब राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए उनको राष्ट्र का पदवा मिला। दूसरी मैं जो कहना चाहूंगा कि अलीपुर रोड का उद्घाटन हुआ, इस तारीख को मैं वहां था, तो एक ने पूछा कि आपको ये भव्य इमारत कैसी लगी। मैंने कहा कि इमारत बहुत अच्छी है, लेकिन इमारत से ही सब कुछ हो जाता। तो गांधी जी का मकान आज भी उसी अवस्था में है जैसा कि गांधी का हुआ करता था। यंत्र मुझे अपने आप से इसलिए अलग लगा क्योंकि जब हम कोई पुराना मकान देखते हैं तो हमारी उससे भावनाएं जुड़ी होती हैं। आज वो भावनाओं का अंत हो गया, आज वहाँ पे बहुत अच्छी इमारत डेवलप हुई और देखने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहीं वो दिल को नहीं थी। हमारे लोग जितने भी मैंने देखे हैं सब दिल से बात करते हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री वाले लोग दिल से कम दिमाग से काम लेते हैं। और अंबेडकर साहब को अगर हम देखें तो हम कहाँ अंबेडकर साहब को मानते हैं, कौन अंबेडकर की बात को मानता है? हम लोग मानते हैं शायद 2-3%। क्यों? क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा कि जितनी भी आप इनकम करते हैं उसका 10% अपने लोगों पे करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी। अपने जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि 2-4-5% लोग से ज़्यादा वो 10% को खर्च करता होगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो हर साल जितना कमाता हूँ उसका 10% खर्च करूँगा और करता हूँ 20% कि मेरे साथ के जो लोग हैं चाहे वो प्रकाश के हों चाहे मेरी कास्ट हो तो मुझे अच्छी लग जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ से आह्वान करूँगा कि जिनकी भी सैलरी 20,000 के ऊपर है वो कम से कम अपनी सैलरी का 5% दूसरों पे खर्च करें। मैं ये नहीं कहता कि दान आप किसी संस्था को दीजिए, अपने साथियों पे, अपने गरीब परिवार जो आपके गांव में है उस पर खर्च कीजिए, आपके रिश्तेदार जो गरीब होंगे उस पर खर्च कीजिए, लेकिन अगर अंबेडकर को आप मानते हैं तो कम से कम 5%। बाकी जिनकी 20,000 से कम की सैलरी है या 20,000 से कम वो कमाता है वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान देना चाहे वो किसी भी संस्था को दे। तीसरा, जब भी हम अंबेडकर साहब का जन्मदिन होता है वो उसके साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन अपनी भावनाएं जो हम लोग व्यक्त करते हैं एक दूसरे से वो जरूर शेयर करें। मैंने 20 साल तक लाला लोगों का बिजनेस किया तो हमारी हमेशा सुविधा रहती थी क्या उनको अपने प्रोग्राम में, जितने लोग अगर मेरे को जानते हैं तो मैं 20 साल से अंबेडकर जयंती बनाता आ रहा हूँ, छोटे लेवल जब बच्चा था छोटे लेवल बनाता था, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मेरा जो स्केल था वो बड़ा होता चला गया, आज हम लोग जो भी करें अपनी इच्छा से या अपने जो चाहते हैं वैसे करें तो मुझे लगता है थोड़ा दिमाग से भी काम दें। दूसरा, जैसा कि मैं इंडस्ट्री से आता हूँ, लोग कहते हैं हमें नई इंडस्ट्री चालू करनी है तो क्या करना चाहिए, तो मैं उनको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि नई इंडस्ट्री लगाने के लिए वो छोटी कंपनी का चयन करें जहाँ पर वो सर्विस कर पाए और 3-4 साल सर्विस करने के बाद वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करें जैसा कि मैंने किया। और मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूँगा, मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं भी गरीब परिवार से गांव में पैदा पला और बड़ा हुआ, मैंने 8th क्लास अपने गांव से ही की जहाँ पर जैसा कि आज से करीब 40 साल पहले हुआ करता था,
पैर में चप्पल होते थे वो भी घर छोड़ के जाते थे, वो मैंने भी किया। उसके बाद 9th क्लास में दिल्ली आ गया, यहाँ पर 8th क्लास में डॉक्टर था दिल्ली में आने के बाद भूल गया, और वही जो एक गांव से अपने बारे में कम बताओ, बाबा साहब के बारे में 400 बोलते और लोग भी बैठे हैं, समय देखिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, जानते हैं आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो अगर किसी ने इंडस्ट्री लगानी है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए जब आप जो इंडस्ट्री बहुत